हेलो भाई साहब, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है राहुल एंड मोस्ट वेलकम टू रोवर इन मोशन। सो आज हम जा रहे हैं, आज हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जिसका आपको मैं वहाँ जाके व्यू दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा ये कौन सी जगह पे आए हम। सो इट वाज अराउंड 35 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर लोकेशन। तो अभी हमने बहुत सारी चेक पोस्ट क्रॉस करके आपको बताया मैंने कि आए हैं हम, तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे। अभी हम थोड़ा सा एकदम सोचा रोक के थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ, ठीक है। तो वहाँ पे हम जाके आपको व्यू दिखाता हूँ, फिर दिखाता हूँ सारी की सारी कैसा है वो लोकेशन और क्या खासियत है उस लोकेशन की जहाँ हम जा रहे हैं, ठीक है। सो वंस अगेन वेलकम टू द चैनल, एन्जॉय द व्यू एंड एन्जॉय द लोकेशन एंड एन्जॉय योर लाइफ। चलो यार। अभी हम कितना 16 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम लोग नंगल डैम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट चेक पोस्ट से एंट्री होएगी। यहाँ पे आपको चेक पोस्ट पे आपकी अपनी एंट्री करवानी पड़ती है, व्हीकल नंबर रजिस्टर करवाना पड़ता है एंड कितने मेंबर्स हैं वो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और तभी आपको एंट्री मिलेगी आगे पाकड़ा ट्रैवल करने के लिए। तो आगे का नज़ारा कुछ ऐसा है और हम अभी जाके वहाँ रुक के फटाफट से पर्ची कटवा के आएंगे। तो भाई इधर हम इधर आ गए हैं, इधर से वाइट परमिट लेना पड़ेगा। दिस इज पब्लिक रिलेशन ऑफिस, तो यहाँ से पहले वाइट परमिट लेना पड़ता है, दैट इज एप्लीकेबल टू सी आउटर व्यू ऑफ पाकड़ा डैम। वो देखने के लिए आपको वाइट परमिट की ज़रूरत होगी, तो वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे अभी मेरा ब्रदर लेने गया है वाइट परमिट। तो यहाँ पे आपको उसके लिए चाहिए होगा एक आधार कार्ड एंड आपको व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो यार कुछ ऐसा दिखता है ये वाइट परमिट, विजिटिंग आवर्स 8 to 4, गाड़ी का नंबर है, स्टैंप लगी है, या तो कुछ इस तरह का दिखता है। तो बस अभी चलते हैं, फिर देखते हैं आगे कहाँ और कैसा नज़ारा है। तो यार यहाँ पे हम लोग दूसरी बार रुके हैं, यहाँ पे लिखा है पुलिस चेक पोस्ट बरमला पंजाब, स्टॉप फॉर चेकिंग प्लीज एंटर योर परमिट। तो यहाँ पे आपका परमिट एक बार जो आपने यहाँ पे पब्लिक रिलेशंस ऑफिस से एंट्री करवाई होगी वो यहाँ पे चेक होगा। सो इतनी सिक्योरिटी, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू अ डैम, तो मतलब डैम क्रॉस करना पड़ता है ये जहाँ भी हम जा रहे हैं वो लोकेशन देखने के लिए, तो इसलिए ये परमिट का चक्कर है और वहाँ पे बार बार एंट्री होती है। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा नहीं सकता बाहर का, आई थिंक इट्स नॉट अलाउड, सो जस्ट बेयर विद मी फॉर नाउ, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। वैसे तो बाकी की जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता हूँ।
बस मेरा ब्रदर अभी एंट्री करवा के आ गया है। ठीक है, यहाँ से चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं। तो यहाँ से अभी हमने परमिट एंट्री करवा ली है, उसके बाद हमने आगे चलना शुरू कर दिया है। और यहाँ से इट्स अराउंड 21 किलोमीटर एंड इट विल टेक अराउंड 40 मिनट्स टू रीच आवर डेस्टिनेशन। अभी भी यहाँ से 40 मिनट लगेंगे। माउंटेन एरिया है तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा ही। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर्स इन माउंटेन रीजन, तो ऐसा है, तो ऐसा कुछ नज़ारा है साथ साथ में। जर्नी बहुत अच्छी है, बाकी बातों की बात है, बहुत सुंदर लगता है रास्ता। ये भाखड़े डैम का यही मेन रास्ता है। तो भाई परमिट लेने के बाद ये दूसरी जगह रुके हैं जहां हमारा चेक पोस्ट पे वो पर्ची की एंट्री हो रही है। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको ये एरिया भी नहीं दिखा सकता बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है फोटोग्राफी, तो आप मेरे सिवा किसी और को नहीं दिख सकते। तो देखते हैं कि इतना ज्यादा मतलब रिस्ट्रिक्टेड लगाया हुआ है एरिया, तो देखते हैं वर्थ इट है कि नहीं। लोकेशन में तो जाके पता लगेगा। ठीक है, दूसरी बार भी हमारी एंट्री हो चुकी है, तो बाकी चलते हैं। ठीक है, तो आगे जा रहे हैं हम लोग दोबारा। तो अभी ये कभी मंकी भी दिखा रास्ते में, पता नहीं अब और दिखता है कि नहीं दिखता है। दिखा तो मैं तो फिर दिखाता हूँ आप लोगों को भी। और क्या, और बाकी अभी है 40 मिनट, मैंने बोला था आपको लगेंगे 5 मिनट ट्रैवल किया, अभी 30-35 मिनट्स और लगेंगे। यहाँ पे ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकता मैं, इसलिए आपको थोड़े थोड़े व्यूज ही दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं। नीचे जो आपको दिख रहा होगा वो पानी है, अभी पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं क्लियरली। ये देखो एक और मंकी आ गया, ये देखो। ठीक है, तो अभी इधर से हम लोग मुड़ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन वाला रास्ते। ऊपर अगर राइट जाते हो तो नैना देवी पहुंच जाओगे, फिर नैना देवी अगर लेफ्ट जाते हो तो जहाँ हम जा रहे हैं दैट लोकेशन। तो यार अभी ये है तीसरा, इस जगह का नाम है ओलिंडा चेक पोस्ट। ये है थर्ड चेक पोस्ट यहाँ का, देख लो ऐसी डेस्टिनेशन पर लेके जा रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पे 3-3 चेक पोस्ट पहले क्रॉस करने पड़ रहे हैं, और शर्त यह है कि आपको मैं कोई वीडियो नहीं दिखा सकता, कुछ नहीं दिखा सकता, एक्सेप्ट आपको मेरे को ही देखना पड़ेगा। इधर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी वाली चीज़ है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं पावर हाउस सब स्टेशन भाखड़ा डैम का। ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा भी नहीं दिखाऊंगा, बस आपको कुछ दिख रहा है अपने आप तो देख लो। मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा, बाई चांस कुछ दिख रहा है तो ये वाला की। तो यहाँ से पंजाब हरियाणा एंड दिल्ली मतलब बॉर्डर्स पे ये इसी लोकेशन से बिजली जाती है, आपको पता ही होगा है ना। तो बस अभी हम थोड़ी देर में आई थिंक 5-10 मिनट में क्रॉस करेंगे, है ना, 5-10 मिनट में हम क्रॉस करेंगे भाखड़ा डैम। ओके, सो सतलुज रिवर जो है वो मेरे हमारे लेफ्ट साइड पे है। तो अभी हमने क्रॉस किया फोर्थ चेक पोस्ट, पर यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं हुई है। इससे पहले हमारी एक बार परमिट लेने पे, दो बार हमारी वहाँ पे रोक के उन्होंने एंट्री करवाई है। तो इतनी हाई सिक्योरिटी से जाने देते हैं यहाँ पे, अगर आपने इस रूट को जाना है। ठीक है, ऐसा है, बहुत अच्छा व्यू है वैसे, देखो।
तो जंगली जानवर था, पनी जंगली मुर्गी थी शायद, पर अच्छा लगा, नेचर में जा रहे हैं हम, ऐसा लगने लग गया कुछ। ये टाइम कैप्सूल में कैप्टन अमेरिका हो सकता है, ये देखो।